आज मैं आपको पनीर के पकौड़े की रेसिपी बता रही हूँ। आपने पनीर के पकौड़े तो काफ़ी खाए होंगे, पर मैं जो तरीका बता रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। आप इस तरह से एक बाउल में बेसन लें, उसमें हल्दी, लाल मिर्च और नमक, इन चारों चीज़ों को आप अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बना लें। एक थिक बैटर बनाएं, काफ़ी पतला बैटर ना बने, और आपको मैं दिखाती जाऊंगी किसका बैटर आप किस तरह से बनाएंगे। ये धीरे धीरे इसमें पानी मिक्स करती जाएं ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। और ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये कुछ इस तरह से इतना गाढ़ा होना चाहिए था। और अब मैं इसे साइड में रखते हुए आपको बाकी प्रोसेस बताती हूँ कि पनीर के आप कुछ इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लें और उसे बीच से ऐसे कट कर लें। जब पनीर के टुकड़े को आप इस तरह, सारे पनीर के टुकड़े को आप इस तरह से कट कर लें और उसे रख दें। इधर मैंने मिक्सी जार लिया है, उसमें आप हरी मिर्च, लहसुन, नमक और नींबू, हाफ नींबू जो है उसे मैंने इसमें निचोड़ लिया है, सीड्स मैंने निकाल दिया था। अब इसमें मैं कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ मैंने धनिया के पत्ते इसमें लेके उसकी मैं एक चटनी बनाऊंगी। आप यदि लहसुन नहीं खाती हैं तो आप स्किप कर सकती हैं। इसका जो चटनी है वो काफ़ी बारीक ना पीसे, थोड़ा दरदरा पीसे, और उसे आप इस तरह से इसके अंदर फील करें, जो पनीर है ना उसके अंदर आप इस तरह से उसको फील कर दें। आप चाहे तो मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग मिर्ची थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं। तो चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं, लेकिन इसे ऐसे फील करें। ऐसे मैं तो कहूँगी कि चटनी में थोड़ा तीखा हो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसके बाद इसे आप बेसन में ऐसे करके डिप करें और फिर इसके पकौड़े आप तल लें। आप एक एक करके सारे पनीर को ऐसे डिप करते जाएं और उसके पकौड़े आप इस तरह मीडियम हीट पे रख के आप सारे पकौड़ों को धीरे धीरे तल लें। ये हमारा पकौड़ा तल रहा है। जब ये लाइट ब्राउन हो गया है, देखिए हमारा जो पकौड़े हैं वो हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, उसे आप किसी प्लेट में डाल के सर्व करें। आप इसे हरी धनिया के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बन के रेडी होगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा बनाया हुआ ये रेसिपी पसंद आएगी।